नमस्कार सभी को, मैं रवनीत गौतम, नवनीत गौतम्स क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर क्वांटम मैकेनिक्स आप लोग पढ़ रहे हैं और क्वांटम मैकेनिक्स में आज हम पढ़ने वाले हैं, आप देख सकते हैं, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है मैंने अच्छे से आपको करा दिया था, ठीक है। अब इसके फिजिकल सिग्निफिकेंस को पढ़ना है, यानी कि इसकी भौतिक सार्थकता या भौतिक महत्ता को पढ़ना है, ठीक है। तो हिंदी में कहेंगे हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत की भौतिक सार्थकता या भौतिक महत्ता, ठीक है। और इसके अंतर्गत आइए देख लेते हैं। देखो, आप जानते हो पोजिशन मोमेंटम अनसर्टेनिटी रिलेशन। तो पोजिशन मोमेंटम अनसर्टेनिटी रिलेशन, ठीक है, ठीक है जी। क्या होता है, डेल्टा एक्स है ना इनटू डेल्टा पी, वो ग्रेटर देन और इक्वल टू होता है एच अपॉन फोर पाई के, ठीक है। और इसमें एक कंडीशन में मान के चल रहा हूँ कि अनसर्टेनिटी पोजीशन में क्या है, जीरो। तो इफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, पोजीशन में जो अनसर्टेनिटी है वो कितनी है, जीरो। क्या मतलब है इस बात का, इसका मतलब डेल्टा एक्स क्या है, जीरो, ठीक है। तो बताओ क्या जाएगा, यहाँ से डेल्टा पी निकाल लो तो ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन फोर पाई, और ये डेल्टा एक्स इसके अपॉन में ले जाओ एच के, ठीक है। डेल्टा पी ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन फोर पाई, डेल्टा एक्स की जगह क्या रख दो, जीरो। तो डेल्टा पी बताओ ग्रेटर देन और इक्वल टू आएगा इन्फिनिटी के, ठीक है। इन्फिनिटी से बड़ा तो कुछ होता ही नहीं है, तो डेल्टा पी बराबर आएगा इन्फिनिटी के, ठीक है। बराबर या बड़ा, बड़ा तो होता नहीं है इन्फिनिटी से कुछ। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि अनसर्टेनिटी, ठीक है जी, अनसर्टेनिटी किस में, इन मोमेंटम, वो कितनी है, इज इन्फिनिटी, ठीक है। और बी पार्ट में अपोजिट करेगा हम, पोजिशन में अनसर्टेनिटी जीरो मानी थी, अब मोमेंटम में जीरो मान लो। तो इफ अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, ठीक है, कितने लिखूं, इज जीरो। क्या मतलब है कि डेल्टा पी बराबर कितना है, जीरो। यहाँ से डेल्टा पी निकाला था पहले, अब डेल्टा एक्स निकाल दो तो ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन फोर पाई, यहाँ जाएगा डेल्टा पी, डेल्टा पी बराबर जीरो रख दो तो डेल्टा एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन फोर पाई और इंटू जीरो, तो डेल्टा एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू आएगा इन्फिनिटी। ग्रेटर देन होता नहीं इन्फिनिटी से कुछ, इसलिए क्या निष्कर्ष निकलेगा कि डेल्टा एक्स इन्फिनिटी ही है ना। तो क्या लिखें, अनसर्टेनिटी किसमें, इन पोजिशन इज इन्फिनिटी, ठीक है। बात क्लियर हो गई आपको, अनसर्टेनिटी पोजिशन में कितनी है, इन्फिनिटी, ठीक है जी। पता है इस बात का क्या मतलब है, इस बात का ये मतलब है कि यदि आप है ना पोजिशन में अनसर्टेनिटी जीरो रखते हैं, यानी पोजिशन को एक्यूरेटली मेजर करते हो, तो फिर जो दूसरी क्वांटिटी है मोमेंटम, उसमें अनसर्टेनिटी इन्फिनिटी हो जाती है। इसका मतलब है उसमें उसके सही नपने की संभावना खत्म हो जाती है बिल्कुल, यानी इसमें अनसर्टेनिटी इन्फिनिटी हो गई, यानी बहुत ज़्यादा, यानी ये बिल्कुल भी अच्छे से नहीं नप पाया मोमेंटम। जब आपने पोजीशन को बहुत अच्छे से मेजर किया, उसे नापने में आपने कोई भी अनसर्टेनिटी नहीं की, गलती नहीं की, तो मोमेंटम में जो अनसर्टेनिटी है बहुत ज़्यादा हो गई, इन्फिनिटी हो गई। यानी एक को अपने पोजीशन को अच्छे से मेजर कर लिया तो मोमेंटम बिल्कुल भी अच्छे से मेजर नहीं हो पाया, ठीक है। और ऐसे कह दो, मोमेंटम को अच्छे से मेजर कर लिया, उसमें कोई गलती नहीं की, उसमें अनसर्टेनिटी जीरो है, तो फिर मोमेंटम को अच्छे से नाप लेने के बाद पोजीशन में जो अनसर्टेनिटी है मेजरमेंट में, वो इन्फिनिटी हो गई, यानी पोजीशन बिल्कुल भी अच्छे से नहीं मेजर हो पाई, ठीक है। तो इस चीज़ से एक निष्कर्ष निकलता है कि यदि एक क्वांटिटी को आप एक्यूरेटली मेजर कर लेते हैं तो दूसरी क्वांटिटी अनसर्टेन हो जाती है, उसके मेजरमेंट में
है ना, अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, यानी वो बिल्कुल भी मेजरमेंट सही नहीं माना जाता। क्लियर हो गया? तो मैं यही बात लिख देता हूँ इसका जो निष्कर्ष है। तो हैंस इट इज क्लियर, ये बात क्लियर है, ठीक है। क्या क्लियर है कि इफ है ना एनी वन क्वांटिटी, कोई सी एक क्वांटिटी एक्यूरेटली मेजर कर ली जाती है, एनी वन क्वांटिटी इज मेजर्ड एक्यूरेटली, ठीक है। यदि कोई क्वांटिटी एक्यूरेटली मेजर कर दी जाती है कोई से एक, है ना, देन, कोमा का मतलब ही देन होता है, इफ़ के बाद देन नहीं लगता, ग्रामर का रूल है, इफ़ के बाद कोमा लगा दो है ना वही देन कहलाता है। तो देन जो अनदर क्वांटिटी है, या अदर लिख दो मतलब दूसरी, ठीक है, एक क्वांटिटी यदि अच्छे से मेजर हो गई तो अनदर क्वांटिटी जो है दूसरी क्वांटिटी वो कैसी हो जाएगी, अनसर्टेन, बिकम्स अनसर्टेन, अनिश्चित हो जाती है, ठीक है। आई बात समझ में? एक क्वांटिटी यदि अच्छे से मेजर कर ली आपने तो दूसरी क्वांटिटी कैसी हो जाएगी, अनसर्टेन हो जाएगी। क्लियर हो गया? तो ये इसका पहला फिजिकल सिग्निफिकेंस हुआ, क्लियर है आपको। और इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है ना, हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आपको ये बताता है कि यदि आप एक फिजिकल क्वांटिटी, चाहे पोजिशन हो चाहे मोमेंटम हो और चाहे दो दो के जो सेट थे दोनों उनके लिए बात कर लो, यदि एक क्वांटिटी को आप एक्यूरेटली मेजर कर लेते हैं तो दूसरे में अनसर्टेनिटी आ जाती है। क्लियर है आपको? तो ये बात आपको कहाँ से पता चली है कि एक को अच्छे से मेजर कर लोगे तो दूसरे में अनसर्टेनिटी आ जाएगी? ये बात आपको किसने बताई? अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने। तो ये इसकी एक लाभ है, एक इसकी सार्थकता है कि ये है ना प्रिंसिपल इस बात को समझा देता है कि यदि आप एक क्वांटिटी को मेजर करोगे पोजिशन या मोमेंटम को तो दूसरे में क्या आ जाएगी, अनसर्टेनिटी आ जाएगी उसके मेजरमेंट में, ठीक है। तो ये पहला आपका फिजिकल सिग्निफिकेंस था। अब इसके सेकंड वाले फिजिकल सिग्निफिकेंस की ओर चलते हैं, इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए फिजिकल सिग्निफिकेंस का देखो दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। तो देखो एक पार्टिकल है जिसका मास कितना है m, वो मोशन कर रहा है विद वेलोसिटी v, ठीक है, कितनी वेग से, v वेग से, एंड अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, और उस पार्टिकल की जो वेलोसिटी है उसमें जो अनिश्चितता है अनसर्टेनिटी है वो मैंने कितनी मान ली, डेल्टा वी, तब देन है ना फ्रॉम पोजिशन मोमेंटम अनसर्टेनिटी रिलेशन, आप जानते हैं पोजिशन डेल्टा एक्स मोमेंटम डेल्टा पी, इसमें जो अनसर्टेनिटी का रिलेशन है वो क्या है, ठीक है, हाइजेनबर्ग के अनुसार डेल्टा एक्स डेल्टा पी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू होता है एच अपॉन फोर पाई। आप जानते हैं पी बराबर एम वी होता है लीनियर मोमेंटम रेखीय संवेग, तो डेल्टा पी कितना हो जाएगा, एम इंटू डेल्टा वी, डेल्टा पी की आपने वैल्यू रखी एम इंटू डेल्टा वी, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू हो जाएगा एच अपॉन फोर पाई के, ठीक है। तो डेल्टा एक्स ऐसा कैसे ही है ना, ये जो एम है इस साइड ले जाओ, क्लियर है। और आप देखो इसके बाद ये लिखा है फोर मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स का क्या मतलब है, यानी वे पार्टिकल्स जो डेली लाइफ में हम देखते हैं जिनका मास बहुत ज़्यादा रहता है ना, जो ऐसे पार्टिकल्स नहीं है इतने छोटे कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है ना, ये हैं माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स जिन्हें आप क्वांटम पार्टिकल्स भी कहते हैं। और हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है वो क्वांटम यानी बहुत ज़्यादा स्मॉल पार्टिकल्स के लिए ही एप्लीकेबल होता है, लेकिन अब हम बात करें मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए जिनका मास बहुत ज़्यादा है। तो मास बहुत ज़्यादा है ना, तो m की वैल्यू अपोन में बहुत ज़्यादा है, तो h अपोन 4 पाई m क्या आएगा भाई, बड़ी संख्या से बहुत बड़ी संख्या से डिवाइड करोगे तो बहुत छोटा आएगा, तो h अपोन 4 पाई m क्या आता है मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए, बहुत स्मॉल आता है, क्लियर है। और जब h अपोन 4 पाई m स्मॉल आएगा तो डेल्टा x भी स्मॉल होगा, बहुत छोटा होगा, और डेल्टा v भी, तो इसी कारण डेल्टा x और डेल्टा v आर ऑल्सो वेरी स्मॉल, ये दोनों भी क्या होंगे, बहुत ज़्यादा स्मॉल होंगे, ठीक है। इसका मतलब डेल्टा एक्स क्या है, अनसर्टेनिटी इन पोजिशन, तो पोजिशन के मेजरमेंट में जो अनसर्टेनिटी है वो बहुत छोटी है, ना के ही बराबर है। वेलोसिटी के मेजरमेंट में जो अनसर्टेनिटी है वो बहुत छोटी है, यानी ना के ही बराबर है, ठीक है, किसके लिए, मैक्रोस्कोपिक यानी कि बड़े पार्टिकल्स के लिए, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि बड़े पार्टिकल्स की जब आप
पोजिशन को मेजर कर रहे हैं, वेलोसिटी कह दो या मास से मल्टीप्लाई कर दें मोमेंटम हो जाएगा, या मोमेंटम को मेजर कर रहे हैं, ठीक है, वेलोसिटी कह दो या मोमेंटम कह दो, है ना, एम से मल्टीप्लाई कर दो बस इसमें, तो मोमेंटम मेजर हो जाएगा। तो बड़े पार्टिकल्स जो होते हैं उनकी पोजिशन और वेलोसिटी या पोजिशन और मोमेंटम को आप मेजर करते हो साथ साथ, तो कोई भी अनसर्टेनिटी नहीं होती है, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू लगभग ना के ही बराबर है, जीरो के बराबर है, ठीक है। इस तरीके से आप देखते हो कि डेली लाइफ में हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। तो किसी यूनिवर्सिटी में यदि ये क्वेश्चन पूछा जाए कि हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल डेली लाइफ में क्यों, है ना, एप्लीकेबल नहीं है, तो उसका आंसर ये है एक तरीके से, है ना। और ये इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस के अंतर्गत ये बात हमें बताता है, ये पॉइंट जो है कि आप मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की जो पोजिशन है और वेलोसिटी है वो साथ साथ साइमल्टेनियसली मेजर कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें आप लिख देना, क्या लिखोगे कि हैंस फॉर मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, है ना, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, है ना, इज नॉट फॉलोड। मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए हाइजेनबर्ग का जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है ना वो फॉलो नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपका आज के लेक्चर में मैंने आपको कराया फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। या ये भी हो सकता है क्वेश्चन सेकंड पार्ट का कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, है ना, इज नॉट फॉलोड फॉर मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स या इन डेली लाइफ, ठीक है, और बाद में कह देगा व्हाई, क्यों, तो उसका कारण ये है सेकंड पॉइंट, है ना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, अच्छे से पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।